नॉट फ्लो लाइक अ रिवर, लेक जो है वो रिवर की तरह नहीं बहती। सेव वाटर, यानी हमें पानी की सेविंग करनी चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, वी मस्ट यूज इट केयरफुली, ठीक है ना, सावधानी से यूज करना चाहिए। एंड हेल्प टू सेव वाटर ऑन द अर्थ, और पानी सेव करने में हेल्प करनी चाहिए। वी सेव कैन सेव वाटर इन मैनी वेज, हम कई तरीकों से पानी बचा सकते हैं। डू नॉट लेट द वाटर रन फ्रॉम टैप्स, अगर टूटी में टैप्स में पानी चल रहा है तो उसे मत चलने दो वेस्ट। व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर फेस, जब आप अपना जब ब्रश कर रहे हो, फेस धो रहे हो, तो पानी को बंद करके रखो। यूज अ बकेट एंड मग टू बाथ, नहाने के लिए आप बकेट का यूज करो, यानी बाल्टी का यूज करो और मग का यूज करो इंस्टेड ऑफ अ शावर। शावर नहीं यूज करना आपने, क्योंकि शावर से पानी बहुत वेस्ट होता है। टर्न ऑफ टैप्स प्रॉपरली आफ्टर यूज, जब आपने टैप यूज कर लिए उसके बाद, यूज करने के बाद उसे अच्छे से बंद कर दो ताकि उसमें से पानी ना निकले। रिपेयर लीकिंग टैप एंड पाइप, अगर आपकी पानी पाइप जो है टैप है लीक हो रही है तो उसको ठीक करवाओ। ओके, यूज वाटर कैंस टू वाटर प्लांट्स, पानी देने के लिए पौधों को कैन यूज करो, ठीक है। डू नॉट वॉश कार विद वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, ऐसा कार धोने के लिए वो पानी यूज मत करो जो पीने के लिए है। डू नॉट लेट वाटर रन फ्रीली ऑन लॉन, जैसे आप बगीचों में पानी देते हो ना, अपने गार्डन में पानी देते हो, उसको फ्रीली मत चलने दो इन फ्लावर बेड्स, ऐसा नहीं कि पाइप लगा के छोड़ दिया। ओके, लेफ्ट ओवर वाटर आफ्टर वॉशिंग राइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स, अगर आपने कोई चीज सब्जियां धोई हैं, राइस धोए हैं, तो वो जो पानी बच जाता है उसको आप प्लांट्स में डाल दो। डू नॉट मेक वाटर बॉडी अनक्लीन बाय थ्रोइंग गार्बेज इन टू देम, जो भी पानी की नदियां हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, उसमें वेस्ट चीजें मत डालो, कूड़ा कचरा मत डालो, ठीक है ना बेटा, आपको चीजें क्लियर होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पानी को हमें कैसे सेव करना है, अब आपने भी ऐसे ही घर में पानी को सेव करना है बेटा, ठीक है। अभी चैप्टर आपने रीड करना है घर पे, और फिर हम जूम क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।